आज मैं आपको बताने वाला हूँ सड़कों पर यूज की जाने वाली सबसे शानदार मशीन्स के बारे में, जिन्हें भारत में आज तक बनाया ही नहीं गया है। भारत में पता नहीं कब बनेगा, आज भी हमारी कंट्री डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं हो पा रही। पहले नंबर पर है थर्स्टी कंक्रीट। ये कंक्रीट लफार्जे डॉरमार्क ने तैयार की है। ये कंक्रीट देखने में आम कंक्रीट की तरह नजर आती है, पर इसकी सबसे खास बात है इसका एब्जॉर्प्शन लेवल। ये कंक्रीट एक मिनट में लगभग 4000 लीटर पानी सोख लेती है। 4000, सही है यार। ये कंक्रीट टॉप मिक्स परमेबल से बना है और इस कंक्रीट पर पड़ने वाला पानी पत्थरों के पोर से होते हुए ग्राउंड वाटर में चला जाता है, जिससे सड़क पर बिखरने वाला पानी वेस्ट नहीं होता। और ये सड़कें बाढ़ को रोक सकती है और वेस्ट वाटर को स्टोर भी कर सकती है। और इन सड़कों का बस इतना ड्रॉबैक है कि इनका सिस्टम सर्दियों में काम नहीं आता। बट यार, गर्मियों में भी तो बारिश होती है इंडिया में। अगर यहाँ पे ऐसी सड़कें बन जाए तो कितने सुखी हो जाएंगे लोग। अगले नंबर पर है रोड क्लीनर। स्पार्टन लीफ प्रो नाम की मशीन रोड क्लीनर का सबसे शानदार एग्जाम्पल है। इस मशीन को बनाया है बॉनेल इंडस्ट्री ने। इस मशीन को पतझड़ के मौसम में सड़कों पर पड़ी पत्तियां साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस मशीन में 35 गैलन का फ्यूल टैंक है, 99 हॉर्स पावर के इंजन के साथ 9 यार्ड का कलेक्शन टैंक और एक स्ट्रॉन्ग फैन भी है इस मशीन में, जो मैं कहूँ की बहुत अच्छी बात है इस मशीन की। और इस मशीन को स्पेशली म्युनिसिपैलिटी वाले जो है उनके लिए बनाया गया। और इस मशीन का एक और मॉडल है जिसे स्नो सकर के नाम से भी जाना जाता है। ये मशीन रिमोट से ऑपरेट होती है और सर्दियों में सड़क पर से जमी बर्फ हटाने के लिए यूज भी आती है। अगले नंबर पर है रोलिंग बैरियर्स। ये प्रोडक्ट यूएस की कंपनी, इसलिए बैरियर्स बोला मैंने और रोलिंग बोला, तो यूएस की कंपनी ईडीआई ने इसे बनाया है और इस प्रोडक्ट को सेफ्टी के लिए बनाया गया है। ये रोलिंग बैरियर सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए बनाया गया है और इस बैरियर को सड़क के किनारों पर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी कार सड़क की बाउंड्री से बाहर नहीं जाती। ये बैरियर्स हाईली इलास्टिक होते हैं, साथ ही इनमें यूज होने वाला मटेरियल शॉक एब्जॉर्ब करके सड़क दुर्घटना होने से रोकता है। जब भी कोई कार इन बैरियर से टकराते हैं तो इनमें लगे रोलर्स रोल होकर गाड़ी को पलटने से बचा लेते हैं, जिसकी वजह से कार के अंदर बैठे लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। अगर ये सारी चीजें इंडिया में आ जाए तो कितना कुछ बच जाएगा। खैर, अगले नंबर पर है RPS6 रोड प्रिंटर। ये मशीन 21st सेंचुरी की सबसे हाईटेक मशीन है और इस मशीन ने रोड बनाने के काम को इतना आसान कर दिया है कि अब ना तो रोड बनने में टाइम लगता है और ना ही ज्यादा पैसे। इस मशीन के नीचे एक प्लेट लगी होती है जिस पर वर्कर्स पत्थर सेट करते रहते हैं और जैसे जैसे मशीन आगे बढ़ती रहती है इसके पीछे एक रोड बनता रहता है। ये मशीन एक दिन में 400 स्क्वायर फीट तक का रोड प्रिंट कर सकती है। इस मशीन पर काम करना बेहद आसान है और इस मशीन से सड़क बनने में इतना कम खर्चा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस मशीन को फिलहाल एशिया के कई हिस्सों में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं आखिर मैं जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं? आप भी चाहते हैं कि ऐसे मशीन्स इंडिया में आए तो कमेंट करके मुझे बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना प्यार देकर बनाए रखें अपने साथ। ठीक है, लव यू।